अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। नया घर लेने के लिए कम से कम भी 40-45 हज़ार रुपये ब्याने देना पड़ता है, फिर एक महीने का एडवांस रेंट भी देना पड़ता है। हम पे तो पहले 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है इस घर का 45 हज़ार रुपये, हम तो वो नहीं दे पा रहे, फिर कैसे होगा ये सब। मैं तो नफीसा को अच्छी तरह जानती हूँ और अपने मियाँ को भी। तो साफ साफ बात कर, कहना क्या चाहती है? ये तो मैं अब कल नफीसा से मिलने के बाद ही बताऊंगी कि क्या कहना चाहती हूँ। देखो नफीसा, ये घर अब हमें छोड़ना होगा, हम यहाँ नहीं रह सकते। 30 हज़ार रुपये किराया भरना कोई आसान बात नहीं है। शफीक अहमद से सारी मेरी बात हो चुकी है, वो सारा बंदोबस्त कर देगा। जब किसी मजबूर इंसान की खुददारी पे बात आती है ना भाभी, तो वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कितनी कंपनियों का मालिक है। जब हमें किसी मदद की जरूरत ही महसूस नहीं है तो वो क्यों बार बार हमारी मदद करने पर तुला हुआ है। शाकिर अजीम, मेरे एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। नफीसा ने तो तुम्हारा लिहाज किया है, लेकिन अगर तुम्हारी बेइज्जती करने का मौका मुझे मिला ना तो पूरा मोहल्ला देखेगा, मैं बता रही हूं। जी जी फूफो, फोन के साथ नंबर भी नया दिया है। नहीं, गुजारा तो ठीक हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। जी, चले ठीक है, फिर इंतजार रहेगा आपका। खुदाफिस। जरीना फूफो आ रही हैं कल। कब? कह रही हैं कि सुबह 12 बजे तक पहुंचेंगी। लेकिन सलमान, मैं तो ड्यूटी पर होंगी। हाँ तो तुम कल मत जाना, छुट्टी कर दो। मैं नहीं कर सकती छुट्टी, मुझे जाना है काम पर। अरे तो तुम कौन सा तनख्वाह पे काम कर रही हो, कमीशन ही लेती हो ना, कल मत जाओ। वही तो, एक दिन छुट्टी करूंगी तो एक दिन की कमाई कम पड़ जाएगी, और मैंने अपना टारगेट सेट किया हुआ है, ईद तक मुझे 50 हज़ार कमाने हैं। नफीसा, इस कमाई को इतना सर पे सवार मत करो। कैसे सर पे सवार ना करूं मैं, मेरे सामने 1000 तरह के झंझट हैं और इन मसलों का एक ही हल है, सिर्फ पैसा पैसा और पैसा। तो फिर मैं क्या उन्हें मना कर दूं आने से? सलमान, आप ये भी तो कह सकते थे ना उनको कि मैं घर पे नहीं होंगी, मैं ड्यूटी पर होंगी। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता लगे कि तुम। नफीसा, हमारे खानदान में इस चीज को बुरा समझा जाता है। आपके खानदान में तो मुझे भी बुरा समझा जाता है। अच्छा, तो असल मसला ये है, इसी वजह से तुम ऐसा कर रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मगर मुझे ड्यूटी पे लाजमी जाना है। मेरे पास सेल का सारा कैश पड़ा हुआ है। सेल का कैश? तुम घर लेके आई हो? हाँ, कैशियर ने छुट्टी कर ली थी तो क्या करती, लाना पड़ा मुझे घर पे कैश। कितना है? 24 हज़ार से ऊपर है कुछ। हाँ तो ठीक है, सुबह ऑफिस फोन कर देना, जब कैशियर छुट्टी कर सकता तुम भी कर सकती। मैं नहीं कर सकती छुट्टी, मुझे ड्यूटी पे जाना है। हमारे सामने कितने मसले हैं और अब आपने मोबाइल भी उधार पे ले लिए, पैसे वापस करने हैं ना, इतने खर्चे हैं हमारे, आपको पता है ना सलमान। नफीसा, ही तुमने क्या कमाई कमाई की रट लगाई हुई है? तुम बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रही हो मैं पाई जाऊं? हाँ, मैं सिर्फ अपने प्लास्टर उतरने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर जैसे तैसे रिंगता हुआ लंगड़ाता हुआ अपने काम पे जाऊंगा। हर किसी से मसला है तुम्हें, कोई मदद करने आता है तुम उसे बेइज्जत कर देती हो, कोई हमदर्दी जताता है तुम अकड़ जाती हो। टांगे टूटी है मेरी, मरा नहीं हूं मैं, और हाँ मुझे तुम्हारी कमाई की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिद की वजह से मैंने तुम्हें काम करने की इजाजत दी है, मेरी तरफ से घर बैठो, काम पे मत जाओ तुम। नफीसा, नफीसा मेरी बात तो सुन।
हेलो हेलो नताशा, नफीसा बात कर रही हूँ। अच्छा तो ये तुम्हारा नंबर है? हाँ आज ही नंबर लिया है मैंने। हाँ भाई अब तो तुम अच्छी खासी कमाई करने लग गई हो। नफीसा तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो मैं तो नहीं रो रही। अच्छा बताओ फोन क्यों किया था? वो मैं कल ड्यूटी में नहीं आ सकती। क्यों सब खैरियत तो है ना? हाँ मेरी फुप्पो सास आ रही है इफ्तारी पे। अच्छा ठीक है। मेरे पास कैश पड़ा हुआ है तो क्या कल तुम मेरे घर पे आ सकती हो? वो तो जमा कराना होगा ना? नहीं नहीं इसकी तुम टेंशन ना लो, वो तो परसों में जमा करवाया जा सकता है। वैसे भी मैंने कैशियर को फोन किया था, वो 3 दिन की छुट्टी पे है, उसके ससुराल में किसी की डेथ हो गई है शायद। अच्छा तो क्या 3 दिन कैश अपने पास ही रखना पड़ेगा? कहा ना नफीसा इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है फिर। नफीसा क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो इतना? नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। जाने क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम मुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप 1 किलो सूजी, 1 घी का डब्बा, 1 चाय की पत्ती और 1 किलो चीनी दे। कुछ नहीं बस। खुदा दे तुमको यार। मुल्ला भाई बाकी के पैसे? कौन सा बकाया, वो तो पिछले हिसाब में कट गया। ये ना करें मुल्ला भाई, मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे घर पे मेहमान बैठे हुए हैं। मेरे पैसों से मेहमान नवाजी करोगी? तुम जैसे लोगों से पैसे निकालने का यही तरीका है। अब चलो जाओ। जी चलो। टेंशन ना लो, वो तो परसों भी जमा करवाया जा सकता है। वैसे भी मैंने कैशियर को फोन किया था, वो 3 दिन की छुट्टी पे है, उसके ससुराल में किसी की डेथ हो गई है शायद। अब कहाँ? कुछ फल वगैरह रह गए थे, बस वही लेने जा रही हूँ। तो एक ही दफा में ले जाती हैं, दोबारा बाजार तक जाऊंगी। कुछ मसला हो गया था। कैसा मसला? मुझे नहीं लगता कि अब मुझे अपने मसले आपको बताने की जरूरत है कोई।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, ये सेब क्या हिसाब है? 300 रुपये किलो। और केले क्या दर्जन दे रहे हो? आपने कुछ लेना भी है या घर से रेट मालूम करने आई हैं? भाई कुछ हिसाब पता चलेगा फलों का तभी तो खरीदूंगी। केला 300 रुपया दर्जन है, आपको क्या चाहिए? मुझे आधा किलो सेब दे दो और आधा दर्जन ये केले और एक पाव खजूर, ये लो। अल्लाह हू अकबर। तीन दर्जन केले भी डाल दे यार। तीन दर्जन केले? मेरी बीवी को वरगलाने की जो कोशिश की है ना तुमने, अच्छा नहीं किया। सेब कैसे दिए भाई? मैं कब से आई हूँ, पहले आप मुझे दें। आप जरा सब्र करें, मैं उनको निपटा लूँ फिर आपको देता हूँ। मेरे पैसे वापस कर दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जा शोर मचा रखा है, दे यार पैसे खत्म कर। हाँ न जाने पता नहीं कहाँ से आ जाते इस मोहल्ले के अंदर। इनका मियाँ जब से चारपाई पे है बस ये पता नहीं कौन से पर निकला है इनके। ऐसी औरत के साथ तो खड़े रहना भी बेइज्जती समझता हूँ मैं। पैसे दे खत्म कर यार। जाने पता नहीं कहां से आ जाते इस मोहल्ले के अंदर। इनका मियां जब से चारपाई पे है बस ये पता नहीं कौन से पर निकला है इनके। ऐसी औरत के साथ तो खड़े रहना भी बेइज्जती समझता हूं मैं। पैसे दे खत्म कर यार। ऐसे फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा। और नोमी की टीचर कह रही थी नोमी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा कहाँ है नोमी, बुलाओ उसे। नोमी जी बाबा। आप ही क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है आप ही। मैं कभी झूठ नहीं बोलती समझे। अच्छा लड़ाई मत करो, जाओ जाके चेंज करो अंदर, फ्रेश हो, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। गो। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो?
शफीक भाई से बात हुई आपकी? हाँ, मैंने मना कर दिया उसे। तुम बताओ क्या सोच रही हो, सब खैरियत तो है ना? अगर मैंने सलमान को बताया तो पता नहीं क्या हंगामा करेंगे। नफीसा? नहीं कुछ नहीं। शायद जरीना को पवा गई होंगी। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फूफा जान। अस्सलाम वालेकुम फूफा। वालेकुम अस्सलाम सलमान अहमद, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। क्या कहते हैं डॉक्टर, कब तक चलने फिरने के काबिल हो जाओगे? बस ये प्लास्टर खुलने की देर है, फिर इंशाल्लाह बैसाखी के सहारे चल फिर सकूंगा। हाय मेरा बच्चा, भरी जवानी में रोग लग गया, अब कैसे गुजरेगी जिंदगी, वो भी ऐसी औरत के साथ जिसने तुझे अकेला करके रख दिया है। आप बैठे ना पुप्पो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र सताती है सलमान, मेरे मरहूम भाई की इकलौती निशानी हो तुम, लेकिन तुम्हारे घर में कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है, ना तुम्हारी ससुराल में किसी के साथ अच्छा सलूक होता है और ना तुम्हारे घर में खानदान वालों के साथ। आपका रोजा है फूफो जान? पानी पिला मुझे। शुगर के मर्ज के साथ इस उम्र में क्या मैं रोजा रखूंगी? जी आप अकेली आई हैं फूफो जान? सफीना भाभी को भी साथ ले आती? आई थी ना पिछली बार बहू को साथ लेकर, क्या सलूक हुआ उसके साथ? जाते हुए तेरे बच्चों के हाथ में थोड़े पैसे थमा दिए तो तेरी बीवी ने टका सा जवाब दे दिया और उसकी बेइज्जती कर दी। हमें नहीं चाहिए पैसे, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। अरे भाई अल्लाह का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, पर वो अल्लाह का दिया हुआ कुछ नजर तो आ नहीं रहा कि कहाँ है वो अल्लाह का दिया हुआ। बंदे को ना अपनी औकात देखकर मुंह खोलना चाहिए, समझे कि नहीं? पप्पू मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था,
जैसे भी बात की थी मैंने सुनी थी, मैं वही थी, बहरी नहीं हूँ मैं। अब महसूस कराएगी कि मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हैं। अरे सच्ची बातें किसी को अच्छी लगी हैं क्या? अच्छा छोड़े, ये बताएं कि अफजल भाई कैसे हैं, काम कैसे चल रहा है उनका? अरे दो कारोबार तो वो पहले कर रहा था, अब पोल्ट्री फार्म खोलने का सोच रहा है। अच्छा अच्छा